गाइस, पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास बहुत तेजी से हुआ है और ऐसे लाजवाब मशीनें बनी हैं जो इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम हैं। तो गाइस, यहाँ पे सवाल यह है, आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, यह कैसे काम करता है? इसके अलावा गाइस, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? इसके साथ साथ गाइज, इसका भविष्य कैसा है और गाइज, क्या यह भविष्य में हमारे लिए कोई खतरा बन सकता है? तो हेलो गाइज, मैं हूं प्रदीप और गाइज, आज के वीडियो में आपको यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। गाइज, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत सारी मशीनों का यूज करते हैं, जैसे कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज, लैपटॉप। इसके अलावा गाइस, बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं जिसका यूज हम डेली करते हैं, लेकिन गाइस, ये सारी मशीनें ऐसी होती हैं जिनको इंसानी मदद की जरूरत होती है, यानी कि गाइस, हमें इन्हें ऑपरेट करना पड़ता है। तो गाइस, हमें यहाँ पे एक ऐसी मशीन की जरूरत है जिसे यहाँ पे इंसान की जरूरत ना हो, इसलिए गाइस, हमें यहाँ पे जरूरत है ऐसे मशीनों की जो बिना इंसानों की मदद के काम कर सके। हालांकि इस दिशा में हमने कई ऑटोमेटिक मशीनें बनाए हैं, लेकिन वे सारी मशीनें यहाँ पे ऑन ऑफ तक ही सीमित हैं, यानी कि वे उस लेवल तक का काम नहीं कर पाती हैं। लेकिन अगर हमें मशीनों को पूरी तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिक बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर मशीनों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पे मशीनों को बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट बनाया जाता है, ताकि वे इंसानों की तरह सोच समझकर निर्णय ले सके और बिना इंसानी मदद के यहाँ पे काम कर सके। यानी कि गाइज, जिस तरह से इंसान अपने दिमाग की हेल्प से अपनी समस्याओं को खुद ही ढूंढ लेते हैं, उसी तरह से गाइज, यहाँ पे मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी समस्याओं को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले दुनिया को जॉन मैकार्थी ने बताया था, इसलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन मैकार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट और शोधकर्ता थे। उनके अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उच्च कोटि का कंप्यूटर विज्ञान है जो कि मशीनों में बुद्धिमत्ता यानी कि उनकी बुद्धि का विकास करता है, यानी कि मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जाता है, अर्थात ऐसे रोबोट्स और कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर कार्य कर सके और ऐसे तर्कों का इस्तेमाल करें जो यहाँ पे मानव मस्तिष्क करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जटिलताओं को दूर करना और नई संभावनाओं को तलाशना काफी आसान हो गया है। आज एजुकेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक और शेयर मार्केटिंग से लेकर स्पेस तक हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है, साथ ही हमारे दैनिक जीवन में इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा गाइस, ये प्रमुख एप्लीकेशंस हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, लेकिन गाइस, यहाँ पे सवाल यह है, क्या हमारे दैनिक जीवन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग है? चलो गाइस, यहाँ पे विस्तार से यहाँ पे नजर डालते हैं कहाँ कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन एग्जाम से लेकर ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन गाइस, यह काफी नहीं होता है, क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ इंटेलिजेंट होते हैं तो कुछ एवरेज होते हैं। ऐसे में प्रत्येक स्टूडेंट को उनके स्तर के हिसाब से एजुकेशन मिलनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रत्येक स्टूडेंट को स्मार्ट और पर्सनलाइज्ड कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, इसके साथ साथ उसके प्रत्येक डाउट्स को भी क्लियर किया जाता है।
आजकल ऐसी ऐसी मशीनें आ गए हैं गाइस, जो मानव शरीर के अंदर झांककर आसानी से रोगों का पता लगा लेती है और उनका इलाज भी यहाँ पे आसानी से कर लेती है। इसलिए गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर सेक्टर में किसी वरदान से कम नहीं है। हमारी डेली लाइफ में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने लगा है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण अब पहले से ज़्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटिक हो गए हैं। हमारे घर में यूज होने वाले एलईडी बल्ब से लेकर एसी, कूलर, फ्रिज सभी में अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा है। अमेज़न एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट्स हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने लगा है, जिनके नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल नजर आता है। और गाइज हम धीरे धीरे वैसे भी यहाँ पे मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में तो गाइज हम अपने प्रत्येक कार्य के लिए यहाँ पे मशीनों पर आश्रित हो जाएंगे, यानी कि हम मशीनों के बिना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। गाइज आने वाले टाइम में मशीनें इतनी स्मार्ट और एडवांस हो जाएंगी कि हमें उन्हें कमांड भी नहीं देना पड़ेगा, वे खुद से ही काम करने लग जाएंगी, वो भी सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ। गाइज शुरू से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यह आशंका रही है कि यह भविष्य में हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। गाइज आप जानते हैं कंप्यूटर पहले ही लाखों नौकरियां खत्म कर चुका है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और यह उन लोगों की नौकरियां भी खत्म कर सकता है जिन नौकरियों के लिए एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत पड़ती है।